ममता बनर्जी का रोड शो इंतखाबी मुहिम के सातवें मरहले के आखिरी दिन डायमंड हर्बल पार्लिमानी हलके में रोड शो के दौरान ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर जमकर लगाया निशाना। कहा, 5 साल में राम मंदिर नहीं बनवाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति क्या खाक बनाएंगे। बिहार के हाजीपुर में क्रिकेट को लेकर खून बह गए। आइए देखते हैं कैसे ये हादसा पेश आया। बिहार के हाजीपुर से खबर आ रही है कि एक क्रिकेट मैच के दौरान दो लड़कों रोहन और रोशन के दरमियान बात-बात पर झगड़े बढ़ गए और रोशन ने रोहन को स्टैम्प से जमकर पीटा। जख्मी रोहन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मौत की खबर सुनते ही हंगामा शुरू हो गया और इलाकाई लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और आरोपी के घर तोड़फोड़ और गाड़ियां भी जला दी। और जबकि मौके पर पुलिस आए तो उन पर भी हमला किया गया। तमिलनाडु के अवकुर्ची में एक्टर कमल हसन के सभा में सख्त हंगामा हो गया जब दो लोगों ने मंच पर अंडे और पत्थर फेंकना शुरू किए। ये वाक्या इस वक्त की है जब कमल हसन अपना खिताब मुकम्मल करके मंच से नीचे उतर रहे थे। लोगों ने आरोपियों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। हालांकि इस घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने चारों तरफ से कमल हसन को घेर लिया और उन्हें महफूज जगह पहुंचाया। कमल हसन हाल ही में नाथुराम बोधसे को पहला हिंदू आतंकवादी कहा था और वो अपनी इस बयान से लगातार चर्चे में हैं। I am not even threatened. I feel that the quality of the polity is going down, and I will not indulge in this slinging, mudslinging. एक बड़ी खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से आ रही है। वहाँ हाईवे पर बने वेयर हाउस में अमेरिकी लड़ाकू तैयारा सोलब्रेस होकर घुस गया। वेयर हाउस मास्टर रिजर्व बेस पर बना हुआ था। फाइटर प्लेन का पायलट हादसा होने से पहले ही तैयारे से कूद गया और उसे किसी तरह का भी नुकसान नहीं हुआ। और हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।